हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स, जो हमने स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह मॉसेस। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि लीवर वॉर्ट क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मॉसेस के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनके लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मॉसेस। तो मॉसेस को ब्रायोप्सीडा भी कहा जाता है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ब्रायोप्सीडा और मॉसेस दोनों सेम चीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं मॉसेस के। तो सबसे पहले तो देखना है हमें कि ये ग्रो कहाँ पे करते हैं। तो ये ग्रो करते हैं वैसे जगह पे ही ग्रो करेंगे जहाँ पे कि इनको वाटर मिल जाए। तो जो शेडी प्लेसेस होते हैं, डैम सॉइल होता है, वहाँ पे ग्रो करेंगे, क्योंकि इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट करने के लिए वाटर चाहिए। तो वैसे जगह पे ही ग्रो करेंगे जहाँ पे इनको पानी मिल जाए। तो ये हो गई इनके हैबिटेट की बात। अब इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी कैसी होगी, अपराइट होती है, इरेक्ट मतलब कि सीधी होती है। और उनमें क्या होता है कि लीव्स अरेंज होते हैं स्पाइरली, मतलब कि जो उनकी बॉडी है उसमें जो लीव्स हैं वो चारों तरफ से अरेंज रहेंगे। नेक्स्ट आता है, बात करते हैं इनके राइजोइड्स की। अब ये अपने सबस्ट्रेटम से जो राइजोइड्स हैं उनके थ्रू अटैच रहते हैं। और ये राइजोइड्स क्या है, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और मॉसेस के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे और ब्रांच्ड होंगे। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमको। नेक्स्ट हम इनके सेक्स ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। तो मॉसेस में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथेरिडिया और आर्केगोनिया, ये क्या होते हैं, लीफी शूट के एपिक्स पे प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि जो लीफी शूट है उसके जस्ट टिप पे ये प्रोड्यूस होंगे, टिप पे बनते हैं ये। और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनके, मतलब जो एंथेरिडिया है और आर्केगोनिया है, वो डिफरेंट ब्रांचेज में बनेंगे। एक ही ब्रांच पे दोनों नहीं बनता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज पे दोनों बनेंगे और रहते हैं। नेक्स्ट अब इनके लाइफ साइकिल की बात करेंगे आप। तो इनके लाइफ साइकिल कैसे होता है, तो जो प्री डोमिनेंट स्टेज या फिर जो मेन स्टेज है इनके लाइफ साइकिल का, वो है गेमेटोफाइट। और ये जो गेमेटोफाइट है इसमें भी दो स्टेजेस होते हैं। तो वो दो स्टेजेस क्या हैं वो हम देखेंगे अभी। और ये पूरी चीज़ों को मैं डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से दो स्टेजेस हैं यहाँ पे गेमेटोफाइट के। सबसे पहला स्टेज आता है प्रोटोनिमा स्टेज। तो प्रोटोनिमा स्टेज क्या है, ये डायरेक्टली स्पोर्स से बनते हैं। ये जो स्टेज है डायरेक्टली स्पोर्स से बनता है। ये क्रीपिंग होता है, मतलब कि जैसे ज़मीन पे कोई चीज़ क्रीपर्स होते हैं उस टाइप से ये रहते हैं। ग्रीन होंगे, ब्रांच्ड होंगे और फिलामेंटस स्टेज है ये। तो इसका डायग्राम यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, ये प्रोटोनिमा का डायग्राम है। ये स्पोर्स है, स्पोर्स से ही इस तरीके से ग्रो होता है। तो हम देख रहे हैं अभी ये ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है और क्रीपिंग और ग्रीन भी है। तो इस तरीके से प्रोटोनिमा स्टेज रहता है। नेक्स्ट आता है लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज क्या है, ये दूसरा स्टेज है गेमेटोफाइट का। ये डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। तो सबसे पहले तो स्पोर्स से प्रोटोनिमा बनेगा, जिसे कि प्राइमरी प्रोटोनिमा कहा जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा और उसी सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज बनता है। अब क्या होता है कि ये कैसे होंगे, एक इनमें अपराइट सिलेंडर एक्सिस होता है और उस पर स्पायरली लीव्स अरेंज रहते हैं। स्पायरली लीव्स अरेंज होने का मतलब क्या है कि एक स्पायरल लाइक स्ट्रक्चर में लीव्स चारों तरफ से अरेंज रहते हैं। अब ये क्या है, ये सॉइल से अटैच रहते हैं। और यही जो स्टेज है लीफी स्टेज, इनमें ही सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, मतलब कि एंथेरिडिया और आर्केगोनिया लीफी स्टेज में ही प्रेजेंट रहते हैं। लीफी स्टेज का अगर डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके से लीफी स्टेज दिखेगा हमें। ये सॉइल से अटैच रहेंगे और इस तरीके से लीव्स चारों तरफ से अरेंज रहते हैं स्पायरल फॉर्म में। अब हम इन बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल टाइप से भी होता है और सेक्सुअल दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दोनों ही प्रोसेस से होता है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब तो हो गया कि इनकी बॉडी अगर छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है, टूट जाती है, तो वो फिर से न्यू ग्रो कर लेंगे। अब बडिंग कैसे होता है, बडिंग सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होता है, जो कि मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगी आपको, जिससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा था कि प्रोटोनिमा स्पोर्स से बनते हैं डायरेक्टली, तो ये हो गया स्पोर्स, और स्पोर्स से बनेगा प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा होता है हैप्लॉइड। अब प्रोटोनिमा में क्या होगा, ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनिमा बोल सकते हैं इसे। प्राइमरी प्रोटोनिमा से बनता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा।
अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होगा कि बहुत सारे इस तरीके से लेटरल बर्ड्स अरेंज रहते हैं। अब यही जो लेटरल बर्ड्स हैं ये इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा से अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद वो ग्रो करके लीफी स्टेज बनाएंगे, और लीफी स्टेज का मतलब हो गया गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो लीफी स्टेज बना है, इस लीफी स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, जो कि बाकी का जो इनमें प्रोसेस होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा। तो बर्डिंग के प्रोसेस से इतना ही यहाँ पे होता है, जिसमें कि हमने देखा कि लीफी स्टेज बन रहे हैं। तो ये हो गया लेटरल बर्ड्स, और लेटरल बर्ड से लीफी स्टेज, बहुत ही सिंपल है। आपको याद रखना है पहले स्पोर्ट्स होंगे, स्पोर्ट्स से बनेगा प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से बना सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बहुत सारे लेटरल बर्ड्स अरेंज रहेंगे, ये लेटरल बर्ड्स अलग हो जाते हैं इन ये जो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उससे, और अलग होने के बाद बहुत सारे लीफी स्टेज बना लेंगे। तो ये गैमेटोफाइट हो गया। अब हम बात करेंगे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एंथेरिडिया एंड आर्केगोनिया, ये हमने पहले ही देखा कि लीफी शूट जो है उसके एपिक्स पे प्रेजेंट रहते हैं, और वहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा जायगोट, और जायगोट फिर डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। ये स्पोरोफाइट में तीन पार्ट्स होते हैं, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स रहेंगे जिनसे बनेगा स्पोर्स। अब क्या होता है, जो स्पोरोफाइट्स हैं मॉसेस के, ये अगर हम कंपेयर करें लीवर वॉर्ट से, तो उनके मुकाबले ये ज़्यादा एलोबोरेट होते हैं, मतलब कि वेल डेवलप होते हैं। और जो कैप्सूल है उसमें क्या होंगे, स्पोर्स हैं, मैंने पहले बताया, और स्पोर्स बनते हैं मेयोसिस प्रोसेस के बाद। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं एक डायग्राम से समझाऊंगी आपको, जिससे कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ये प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि डायग्राम क्या है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लिया है लीफी स्टेज, जो कि है गेमेटोफाइट। ये गेमेटोफाइट में मैंने पहले ही बताया था कि डिफरेंट ब्रांचेस पे मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो ये एंथेरिडियल ब्रांच हो गया, जिसमें कि एंथेरिडियम बनेगा। ये आर्केगोनियल ब्रांच हो गया फीमेल, जिसमें कि आर्केगोनियम बनेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट ब्रांचेस पे एंथेरिडियम और आर्केगोनियम बन चुके हैं। अब क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की मदद से जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुँचेगा, मतलब कि एग तक पहुँचेगा। वहाँ पे पहुँचने के बाद फ्यूज़न होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद जायगोट बनेगा। जायगोट बनने के बाद क्या होगा, ये जायगोट से फिर बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के में थ्री पार्ट्स होते हैं, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। इसमें क्या होगा कि मेयोसिस का प्रोसेस होगा। मेयोसिस के प्रोसेस होने के बाद बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे, बनेंगे, और यही स्पोर्स से फिर बनेगा प्रोटोनिमा, जो हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो स्पोर्स बनने के बाद बनेंगे प्रोटोनिमा, ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनिमा, और उसके बाद बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होगा कि बहुत सारे लेटरल बर्ड्स अरेंज रहते हैं। ये सारे लेटरल बर्ड्स क्या होंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद लीफी स्टेज वापस से बनाएंगे। तो ये जो पार्ट हमने देखा, ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हम देख चुके थे, लेकिन इनके बिना इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है इनका, या बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे कंप्लीट होता है ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स के टाइप्स क्या क्या हैं। इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे हम एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे।